हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम्स पे। और दोस्तों, आप देख रहे हैं 28 मई 2019 के दिन करंट अफेयर्स क्विज का ये वीडियो। दोस्तों, मेरा ये क्विज करवाने का बस एक ही मकसद है फ्रेंड्स, कि आप डेली के क्विज, डेली के करंट अफेयर्स पढ़ने में इतने मग्न हो जाते हो कि आपको पीछे का रिविजन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और दोस्तों ना ही आपका ध्यान जा पाता है। तो दोस्तों, आप अगर देखे होंगे तो एग्जाम में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछा। और वीडियो को स्टार्ट करने का, इस क्विज को स्टार्ट करने का मेरा मकसद बस यही है फ्रेंड, कि एग्जाम में आने वाले 6 महीने के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे छूटे नहीं कोई भी सवाल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ हमारे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा और आपके पास 2 सेकंड्स का टाइम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एम जयश्री व्यास। एम जयश्री व्यास बनी है पहली स्वतंत्र महिला निदेशक, कहाँ की? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किस देश ने इसरो के पूर्व चेयरमैन एस किरण कुमार को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी लॉर्ड नेशनल डी ला लिगिडियन डी ऑनर प्रदान किया है। दोस्तों, यदि आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो इस टॉपिक पे मैंने आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। फ्रांस की सरकार ने दी है इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट की अनिवार्यता की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग जरूर इसका आंसर दे रहे होंगे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीन कलर। दोस्तों, इस तरह के वाहनों को पार्किंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में निःशुल्क प्रवेश तथा हाईवे पर कम टोल इत्यादि देने का लाभ दिया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। और इस तरह का ये जो नंबर प्लेट है, ग्रीन कलर का नंबर प्लेट, इसका उद्देश्य ये है कि देश में विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीन कलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने जरूर करंट अफेयर्स देखे होंगे। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको इसका आंसर भी जरूर पता होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है क्या? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुमार संगकारा। फ्रेंड्स, कुमार संगकारा नेपाल के हैं, सॉरी श्रीलंका के हैं, बल्लेबाज हैं और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। आप पूछेंगे दोस्तों कि एमसीसी है क्या, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए फ्रेंड्स, मेरी लीबोन क्रिकेट क्लब है इसका फुल फॉर्म एमएमसीसी का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एमसीसी क्रिकेट क्लब की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश 2018-19 में भारत का सबसे कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा? कौन सा देश 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वन, यानी कि इराक। दोस्तों, यदि हम पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा, तो दूसरे स्थान पे कौन रहा और तीसरे स्थान पे कौन रहा? तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि पहले स्थान पे तो ये रहा इराक, सेकंड स्थान पे रहा सऊदी अरब और थर्ड स्थान पे रहा, यानी कि तीसरे स्थान पे रहा है कौन? ईरान। तो दोस्तों, इराक और ईरान में आप कंफ्यूज मत होना, पहले स्थान पे इराक है और उसके बाद ईरान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई स्थित राज कपूर के आरके स्टूडियो को किसने खरीदा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने। गोदरेज प्रॉपर्टी ने शोमैन के नाम से मशहूर आरके कपूर के, यानी कि राज कपूर के, मुंबई के चेवूर इलाके के आरके स्टूडियो की स्थापना की थी और इसे अब गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीद लिया है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है। तो दोस्तों आपके पास फिर से 2 सेकेंड का टाइम है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। और इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राकेश सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तो राकेश सिंह भदौरिया को बनाया गया है। और इन्होंने 1 मई 2019 से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों राकेश सिंह भदौरिया को परम विशिष्ट सेवा अवार्ड, अति विशिष्ट सेवा अवार्ड और वायुसेना मंडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में जारी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम टॉप पे रही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान। दोस्तों आईसीसी द्वारा 3 मई को जारी, ये कब का जारी की गई थी, तो 3 मई को जारी की गई थी T20 रैंकिंग, और इसमें पहले स्थान पे रहा है पाकिस्तान। यदि हम दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड स्थान पे रहा है दक्षिण अफ्रीका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। और यदि हम हमारे देश यानी कि इंडिया की बात करें, तो वो रहा है 5वें स्थान पे। आईसी T20 की रैंकिंग में हमारा देश कौन से स्थान पे, तो 5वें स्थान पे। और यदि टॉप पे बात करें फ्रेंड्स, तो पाकिस्तान पे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, नोट ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड किस देश के डॉलर को मिला है। बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स डॉलर की, तो इसमें हमारा इंडिया तो आएगा नहीं, तो आएगा कौन सा देश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। कनाडा के नोट को नोट ऑफ द ईयर 2018 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह दुनिया का पहला वर्टिकल नोट है। यदि आपसे नोट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि दुनिया का पहला वर्टिकल नोट कौन है, तो कनाडा का डॉलर। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ITTF रैंकिंग के शीर्ष 25 में यानी कि शीर्ष 25 में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, जी साथियान। ITTF रैंकिंग के शीर्ष 25 में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो जी साथियान। दोस्तों भारत के 26 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी साथियान ज्ञानशेखर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 25 में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि शीर्ष टॉप 25 में पहुंच गए, लेकिन इनकी रैंकिंग इस टॉप 25 में कौन सी है। तो दोस्तों इनकी रैंकिंग है 24वीं नंबर यानी कि 24th नंबर। तो पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। किस राज्य की मुस्लिम शिक्षा संस्था ने हिजाब पर रोक लगाई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल की सरकार ने, मुस्लिम शिक्षा संस्था ने चेहरा ढकने वाली सभी पर रोक दी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। तो फ्रेंड्स इस तरह के करंट अफेयर्स के क्विज देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और मुझे पूरा उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपके लिए ये जरूर फायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों डेली के हेक्टिक लाइफ में आपको इतना, आप डेली के करंट अफेयर्स देखने में ही इतना परेशान हो जाते हो और उसको याद करने में, कि आपको पीछे का रिवाइज करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों मेरा बस यही है कि आपको पीछे के क्वेश्चन रिवाइज कराते जाओ, और ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो दोस्तों यदि इस तरह के वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स हमारे साथ बनने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, और इसी के साथ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।